सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपका स्वागत है मेरे एक और नए धमाकेदार व्लॉग में। तो आज का शेड्यूल ये है कि सबसे पहले हम मैं जा रहा हूँ भैया के साथ एनडीए की उनकी बुक लेने। तो उसके बाद हमें लेने जाना है एक रूम हीटर। वो मम्मी पापा कल करे आए थे, कल उनके पास स्टॉक नहीं था शॉप के पास, शॉप वालों के पास। तो वहाँ से रूम हीटर लेके आना है हमें भैया और मेरे को। और फिर एक साइड में प्लॉट है, वहाँ पर बनाना है बैडमिंटन कोर्ट। और आज का तो यही है शेड्यूल, बाकी देखते हैं उसके अलग कुछ होता है। तो इंजॉय करो इंटरव्यू। सो निकल चुके हैं, अभी जाम बहुत लग रहा है, पीछे देख लो बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। जा रहे हो ऑफ रोड करते हुए स्कूटी से? ऑफ रोड करते हुए जा रहे हैं भाई साहब। अरे हम खिलाड़ी हम पूरे खिलाड़ी। अब मैं इसलिए नहीं चला रहा, मेरे हाथों में ना एलर्जी हो जाती है हर सर्दी में एलर्जी हो जाती है मेरे हाथों में। ये देखो दिख रहे होंगे दाने दाने शायद। हेलो। तो हमेशा होती है ये, तो इस वजह से ना इसमें मचती है जब हवा लगती है। मैं बाल बाल सब खराब हो रहे हैं क्योंकि अभी हेलमेट तो सारा पहना था। चलो मिलते हैं थोड़ी देर। स्कूटी करवा चुके हैं फुल और स्कूटी दौड़ रही है धाए धाए सोए सोए। ठंड लग रही है बहुत, फोन गिर जाएगा बाद में ब्लॉक करता हूँ मैं। सो अभी आ चुका हूँ मैं केबल लेने अपने पीसी के लिए। देखो यहाँ केबल मिलती है कि नहीं मिलती है, बाकी देखते हैं मिलती है तो आपको बताता हूँ। केबल तो मिली नहीं है, क्या कर सकते हैं, नैरो प्लीज जाना पड़ेगा मुझे। पीसी में दिक्कत होगी क्योंकि वो दुकान वाला भी कह रहा है कुछ फ़ायदा नहीं है इसीलिए। यहीं आके बात करेगा भाई। पहुँचे हैं तुरंत, तो कपड़े गंदे हो गए थे, कपड़े चेंज किए, अब जा रहे हैं हीटर लेने जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमें करना है बैडमिंटन कोर्ट बनाना है। तो गाइस निकल चुके हैं स्कूटी पर दोबारा से और हीटर लेने जा रहे हैं अभी हम है? तो भाई देखो चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना बिना करें, बता रहा हूँ भाई बहुत दिन हो गए हैं। अब जो देखो वैसे आपने शायद ब्लॉग देख लिया होगा जो मैंने अपलोड किया है, अभी अभी अपलोड किया है जस्ट, उसकी एडिटिंग करके फ्री हुआ था। मतलब सुबह ही मैंने उसकी एडिटिंग चालू, मतलब फ्री हो गया था एडिटिंग करके मैं। तो एंजॉय करो टाइम लैप्स। लगा दिया पार्किंग में, मतलब पार्किंग में तो नहीं लगाई, हाँ कह सकते हो। हाँ मतलब बाहर की पार्किंग अलग है, अंदर की पार्किंग, बाहर वाली पार्किंग में लगा दिया स्कूटी। तो अभी जा रहे हैं अंदर, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये मॉल मतलब ग्रेटर नोएडा में, देखो मैं आप पीछे करके दिखाता हूँ मैं आपको मॉल कैसा है। लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा, उन्होंने बोलते दो डोज लगने के लिए, बट भैया की दो डोज लग चुकी हैं और जो ठीक है, और मेरी एक ही डोज लगी थी तो मैंने अपनी एक डोज दिखा दी क्योंकि अभी मैं हूँ राइट नाउ 17 ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से 16। सो भैया को डोज, मतलब भैया को तो दो डोज लगी थी, मेरे को सिंगल क्रोमा। सो बहुत बड़ा है, मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो मैकबुक, अच्छा आने वाले टाइम में ये ज़रूर लेना है भाई। दिल आ गया इसको, दिल आ गया बहुत पसंद है। स्टॉक उनके पास अभी भी नहीं आया है, तो अभी हम आए कुछ खाने तो बर्गर किंग के अंदर। तो देखो अभी कह रहे हैं आधा पौना घंटा लगेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है ठीक है। तो खाना खा चुके हैं बर्गर, मैंने ली थी मील और भैया ने ली लिया था सिर्फ बर्गर। मैंने मील में लिया था बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। बाकी देखो कितनी बसड़ फैलाई है, ऐसे खाते हैं, बसड़ फैल चुकी है, बसड़ बहुत ज़्यादा। तो ये है कुछ मॉल, सामने हेमलेस बच्चों के लिए टॉयज के लिए, ये रहा बर्गर की फूड कोर्ट्स हैं, डोमिनोज वगैरह मतलब पिज़्ज़ा हट वगैरह सब, उधर पिंड वालू चीज। ये बताओ क्या आपके पैर में, आपके घुटनों में दिक्कत आ चुकी है? आपके घुटनों में कुछ दिक्कत आ गई है जो आप लिफ्ट से जा रहे हैं? सर आपके घुटनों में दिक्कत आ गई है सर, कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ गई है जो आप लिफ्ट से जा रहे हैं सर? आपके घुटने में, अच्छा आपकी पाइल्स हो गई है, अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। आपके क्या घुटने में दिक्कत आई है? कुछ थोड़ी सी गट्टा उतर गया है ना, पैर का गट्टा उतर गया है, पैर का गट्टा उतर गया, तो नया नहीं लगवाया क्यों सर? जवाब दो, जवाब दो, जवाब
उन्होंने जवाब दे दिया होगा तो कट्टा, उनका तो कट्टा लगा हुआ है। मेरा तो घुटना फ्रैक्चर हुआ इनकी वजह से, और एक है आदित्य शर्मा। हाँ वो जरा ऐसा था ये बदतमीजी कर रहे थे सर, तो हमने इनके ना बाइक ठोक दी, फिर इनके घुटने में दिक्कत हो गई, तो ठोक ही दिया, क्या कर सकते हैं। उड़ाने का मन था इन्हें जिंदगी में से, उड़ा दिया, अरे घुटना उड़ा दिया, मतलब जिंदगी से ना उड़ा। तो जा रहे हैं अब घर, ठीक है। तो अभी पापा और भैया हैं वो गाड़ी से आएंगे, मैं और ये निकलते हैं स्कूटी से, ठीक है। क्या ब्रो, ये देखो यहाँ ड्राइंग देखो, एक से एक अच्छी अच्छी ड्राइंग है, वो देखो स्पेशली वो अमिताभ बच्चन वाली ड्राइंग बहुत अच्छी है यहाँ की, ये भैया की। से गए हैं अभी हम निकल, ये रहा मॉल, ठीक है। तो अभी घर जा रहे हैं, देखते हैं रास्ते में कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखा दूंगा, नहीं तो फिर घर जा पे जाके ब्लॉग एंड करते हैं। हाय फ्रेंड, हेलो कर दो भाई। एक चीज बता, जो बंदे सुन, ये एक चीज बता, ये लोग देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते भाई, ये तो गलत बात है, देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं, अभी चालान कटने से बचे हम लोग, बस जाते हैं। किसको तो सही टाइम पे पापा जी, मतलब वही मॉल में मिल गए थे हमें, आ गए थे किसी काम से, तो पापा जी ने बचा लिया, क्योंकि इस बंदे को चलान कटा, दिखाओ शकल, दिखा शकल, दिखा भाई, ये देखो ये रहा, इसकी वजह से, क्योंकि दो बंदों पे भी हेलमेट है इधर यूपी में, अभी हमें पता नहीं था, ये हमें पता नहीं था। तो मिलते हैं आपसे घर जाके, ठीक है, बाय बाय। रूम हीटर जो हमने अभी बाइक किया ब्लैक कलर में, तो शायद इसमें ऑयल होता है वो गर्म करता है, अभी तो गर्म हुआ आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो ठीक है। अब हो चुका है जाने का टाइम, बैडमिंटन कोर्ट तो आज हम बना ही नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता वहाँ गए थे फिर मॉल चले गए थे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल और वीडियो फैला दो, ठीक है, फैला दो अच्छी तरीके से वीडियो को, और लाइक कर दो, कमेंट करना कि कैसा लगा, और जो इससे पहले वाला ब्लॉग था गैस करके बताना मैं क्या लाने वाला हूँ, ठीक है, रॉयल एनफील्ड के शोरूम से। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब किए मत जाना, चाहे फ़ोन तोड़ दो बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।